तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ लेक्चर में. आज वहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के अलुमनाई आने वाला है जो कि इंडिया में डीएनबी कर चुका है. एंड वो यहाँ पे आई थिंक स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए. सो आई विल बी टेकिंग यू गाइस अलोंग विद मी आउट देयर. एंड चलिए चलते, अभी 4:30 बज चुका है. Okay, so working right now in Pune. Anyone from Pune? Maybe. Okay, you know that CLG hospital, right? Yeah, good. Okay, so let's start with the next examination, which is where you are going to appear in next year, I think, 2024. Very briefly, we have very short time, only 1 hour, so we'll complete very fastly. Actually, next has two steps, next step one, next step two. Next step one, you have to pass, like, what is the difference between FMG and next, right? Because FMG, we know that there are 300 patients, you have to get 150 marks and you pass the exam, that's it. But next exam is not like that. Next one is like, there are around 540 questions. गाइस अभी हम लोग यूनिवर्सिटी से आ चुके हैं और अभी हम लोग मैगडी में थोड़ा बहुत कुछ खाए, बर्गर वगैरह. और तो मैं अभी हम लोग जा रहे हैं तितान में कुछ सामान, मेरे ग्लव्स वगैरह देखने के लिए. और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, सर लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और ये चीज़ कोशिश करेंगे कि लाइक और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएँ. सो दिस इज़ इट. और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल पर और देखते हैं कि क्या क्या करते हैं. तो आज मैंने ये जूता ख़रीदा जेंडन से. सो अभी बिलिंग कराने जा रहे हैं. ये रहा. ले लिया मैंने जूते. आज कर लिए शॉपिंग, अब जा रहे हैं वापस हॉस्टल और क्रिसमस की तैयारी अभी से चालू हो गई है. तो चलिए चलते हॉस्टल.